हड़गवा में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्णिया, प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में अमानक खाद को लेने की बाध्यता समाप्त करने एवं किसान हित में चार अन्य मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में सहकारी समिति खड़गवा में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय 2058 सहकारी समितियों में एक साथ जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिस कड़ी में सहकारी समिति खड़गवा में भाजपा किसान मोर्चा मंडल खड़गवा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा विगत 3.5 वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं और प्रदेश में किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है। हालात ये है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वर्तमान में अभी किसानी का समय आ रहा है और किसान को एक और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूरिया खाद 625 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है। वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों को अमानक और घटिया खाद रेत मिट्टी मिला वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो 1000 रुपए क्विंटल में लेने के लिए बाध्यता कर किसानों को लूटने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एवं किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में किसानों के हालात बस से बदतर है। अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल जाएगी, जिसमें प्रदेश के किसानों के 700 करोड़ रुपए की डकैती राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाला है। हम भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो गोबर खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त हो, साथ ही किसानों को ऐच्छिक रूप से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की छूट हो और वर्मी कंपोस्ट मानक हो एवं रेत व मिट्टी मिला हुआ न हो। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ही जारी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50% तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है। इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किया जाए। हमारी तीसरी मांग, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने से पहले किसानों को दाना दाना धान खरीदने वादा किया गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल भी पर्याप्त मात्रा में होती है, अतः पूरे प्रदेश में किसानों की रवि फसल की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल में तत्काल प्रारंभ की जाए। राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में पूर्व सरकार की लंबित 2 वर्षों के धान बोनस देने का वादा किया था, किंतु भूपेश सरकार को आज 3.5 वर्ष से अधिक हो गए हैं। बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी कर अपना वादा निभाए। हमारी 5वीं मांग, राज्य सरकार प्रति वर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे में लगातार कटौती कर रही है। कहीं मेड़ काटी जा रही है, कहीं खेत ही कम कर दिया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि किसान के संपूर्ण खेतिहर रकबे का 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जाना सुनिश्चित करे। राज्य सरकार किसान हित में इन मांगों को यदि पूरा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में किसानों के साथ भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज का धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे 2058 समितियों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है। इसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता और किसान भाई स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए हैं। आज खड़गवा में सहकारी समिति केंद्र के पास 5 बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन की, जिसमें मुख्य रूप से पहला बिंदु जो था कि पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अमानक वर्मी कंपोस्ट जो किसानों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है 10 रूपये किलो में प्रति एकड़ 3 बोरी जबरदस्ती दिया जा रहा है, उसके विरोध में था। दूसरा, हमारा 2 साल का पिछला बोनस जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक नहीं दिया। तीसरा, जो किसान लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4थी किस्त जो है उसमें 30 से 50% तक किसानों का पैसा नहीं आया है, उसको अविलंब सरकार दे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान खरीदने के बाद कांग्रेस ने किया था और अभी गर्मियों में चूंकि रवि फसल छत्तीसगढ़ में बहुतायत में होता है, अतः रवि फसल का भी धान खरीदी की सरकार व्यवस्था करे। और 5वां बिंदु, रकबा कटौती प्रतिवर्ष होता है, इस बार हम सरकार को शुरू से आगाह कर रहे हैं कि रकबा कटौती न किया जाए, संपूर्ण रकबे में किसान का धान खरीदी करें। इन 5 बिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर आज का धरना प्रदर्शन था।